तो भाई ये बात है हमारे पहाड़ों की, जहाँ पे कि मैं अक्सर घूमने जाया करता हूँ। यहाँ की वादियाँ और यहाँ के जो कल्चर है और यहाँ के सीधे साधे लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, और एज वेल एज आम लोगों को जो है पहाड़ों से एक कनेक्टेड वाली फील आती है। ना जब भी यहाँ पे एग्जॉस्ट फील करते हैं सिटीज़ में, तो हम पहाड़ों की तरफ हो लेते हैं अक्सर। तो चलिए लेके चलता हूँ आपको अपने साथ अपने पहाड़ों में। एक बैग ये रहा ठीक है। और ये देखा भाई, सामान भाई के हाथ में, उगड़े भी छुप रही है, उसके बाद भी सामान है। हम लोग और रात की बजे है 12:30 ठीक है। अभी हम लोग निकलने गए, पर हमने सोचा निकलना तो है ही ठीक है। हम जा रहे हैं हिल्स के पहाड़ों पे, तो हमने सोचा जाना तो है ही, सामान थोड़े जल्दी लोड कर लेते हैं। चलने की इतनी बार चल रहा था, हमने सोचा कि सामान लोड कर लेते हैं, इससे क्या होगा सुबह निकलने का टाइम खराब नहीं होगा। जो अनवांटेड टाइम खराब होता है यूजली, हमको निकलना है 3 बजे, और 3 का मतलब 3, ताकि जो रात से सुबह वाला सफ़र होता है ना उजाला होता हुआ दिखता है, वो चीज़ देखनी है। तो एक चीज़ आप लोग सोच रहे होंगे, जो कि मैं भी सोच रहा था, जो कि ये लोग भी सोच रहे थे, मैं भी सोच रहा था, हम सब सोच रहे थे, पता है क्या? सही दिख रहा है ना? हाँ सही दिख रहा है। मैं हम पता है क्या सोच रहे थे, कि हम 5 लोग जाने वाले हैं ठीक है, और एंड मोमेंट पे लोअर गाड़ी में जा नहीं सकते, डिज़ायर के टायर बहुत ज़्यादा चौड़े तो टच होते हैं ठीक है। तो लास्ट मोमेंट पे हमने अरेंज करी कार, जिसमें कि हम लोग जाएंगे आज सारा परिवार। चलो इस गाड़ी को खोलते हैं, सामान लोड करते हैं। हाँ। स्प्रिंग हटाना नहीं हो पाया साकार। यस, यहाँ पे हम लोगों ने सामान सेट कर लिया अपना पूरा, ऑल सेट टू लीव ठीक है। गाड़ी में फ्यूलिंग करानी है, और गाड़ी का भी सेट है। अभी हमारा और भी सामान है ना, और भी सामान है, हम 5 लोग हैं, तो ये पीछे की सीट्स एक तो यूज़ में नहीं आएगी, दूसरा जो है हम इस एरिया को और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं ठीक है। और हमें जाना भी ज़्यादा दूर नहीं है, जाना भी हम लोगों का ना ताले तो दिल्ली से हार्डली, तो गुड़गांव से हार्डली हमको पड़ेगा 7-8 घंटे का रास्ता मुश्किल से, और उसमें भी हम जो है बहुत आराम से जाने वाले हैं ठीक है। मतलब ग्रुप ग्रुप के जाएंगे, आराम से चिल करते हुए जाएंगे ठीक है। तो सामान सामान रख लिया है, गेम रख लिए हैं, और इस गाड़ी में नहीं जाएंगे क्योंकि ये गाड़ी लोवर्ड है, तो ऑब्वियस ही बात है 5 लोग जाने हैं। ऐसे 5 लोग ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर प्लेन में जाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर हिल्स में जाना है तो दिक्कत हो सकती है। और रिस्क लिया भी क्यों जाए जब हमारे पास एक ऑप्शन ऑलरेडी है। तो इसके अंदर से ना मुझे अपना एक कॉफ़ी मग निकालना है यार, मैं भूल गया था इसके अंदर। ये निकलेगा गेट थोड़ा इधर को, ये मैंने सामने ही रखा हुआ है, सामने रखा है। एक ये है, तो एक चीज़ और एक दो चीज़ और देख लेता हूँ, किसी चीज़ की नीड तो नहीं है मेरे को, नहीं और कुछ तो नहीं चाहिए। ये रख लेते हैं अपना कॉफ़ी का मग। भाई गाना करते हैं थोड़ा सा कम, कॉपीराइट आया था, और टाइम हो गया 4 बज गए, 4:20, 3 बजे की निकलने की थी लेकिन 4 बज गए, क्योंकि बर्गर वर्गर आ रहे थे, बर्गर वर्गर खा रहे थे, मम्मी और आ गए सामने। अब जरा इनको बिठाते हैं पहले, उसके बाद निकलते हैं, फ्यूलिंग भी करानी है। तो भाई यहाँ निकल गए हम लोग गुड़गांव से ठीक है। ऊपर देना घिसाई लगी पड़ी है पूरी, है ना, बड़ी गाड़ियों को देख के निकालना पड़ता है, छोटी गाड़ी को तो नज़र भी नहीं आता। ये देख रहे हो 32nd वेन्यू के बाहर है पूरा, ये भी हलचल हो रही है 4 बजे भी। चलो हम लेंगे यहाँ से हाईवे, और अब जो है लगाएंगे मूवी में आप। चैन नहीं भाई, भर भर के लेके आ रहा है बोटली, 2500 तो हो गया, देखते हैं कितना जाता है। फ्यूलिंग कर ली है पूरी, भर लिया डीजल वीजल सब भर लिया, टंकी पूरी फुल करा ली, निकलने का टाइम है, पेमेंट करवा रहा है, लेट्स गो भाई। ये भाई ये गाड़ी ना कोई दिखेगा ही नहीं आसपास, ऐसी भाग रही ना जबरदस्त, पंजा रखती उठ रही एकदम जबरदस्त, मतलब ऐसी गाड़ी चलाने में मजा आता है हाईवे पे, एकदम जबरदस्त भाग रही है। और यहाँ पे सुबह होनी शुरू हो गई है, ऐसे ना रात से सुबह तक ड्राइव करने में मजा आता है, तभी हम 3-4 बजे के आसपास निकले थे। भाई दो एल्ट्रोस खड़ी है भाई, मैं तो ये बोलता हूँ कि टोल प्लाजा इतने आते हैं और आए, कोई दिक्कत नहीं है, जितने डालने उतने डालो, लेकिन रोड अच्छी दे दो, क्योंकि रोड अच्छी नहीं होती तो दिमाग खराब होता है,
रोड अच्छी हो तो टोल देने का मजा भी है, ठीक है। ये टायर के कितने सारे निशान है, यहाँ पे क्या ड्रिफ्ट मार रहे थे क्या ड्राइवर वाले सर, सब तेज चला रहे हैं, हम इधर चला रहे हैं गाड़ी। चलो हम ऑलमोस्ट जो है मेरठ पहुँच चुके हैं इस टाइम पे और सुबह होने लग गई है। तो भाई यहाँ पे ना सुबह हो गई पूरी तरह से, ठीक है, पहुँच गए, ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं कहाँ टोल प्लाजा पे। वही बोलते गिर गया गिर गया गिर गया, सब्जी का भाव गिर गया, तो वही वाली बात है भाई। तो अभी यहाँ पे बस टोल प्लाजा पे पहुँच गए हैं। सबसे दिक्कत पता कब आती है, जो सबसे आगे वाले का चलना रहो, सबको सफ़र करना पड़ता है और बल्कि उल्टा वापस भी आना पड़ता है। और टोल प्लाजा की एक और नेगेटिव का बताया तो, एक मिनट भाई एक मिनट जाओ, वो वापस निकल रहे हैं, वो दिखा रहा हो, ये देखो ये वापस आ रहे हैं आगे, वो हमको चल नहीं रहा होगा ना। एंड टोल प्लाजा की एक चीज़ और है कि अगर आपके पास फास्टैग नहीं है ना, और फास्टैग यहाँ पे सभी इनके पास है, तो अगर आप कैश पे करोगे तो आपको डबल पे करना पड़ता है और फिर ऐसे हॉर्न सुनने पड़ते हैं। चलो जो मैं बोल रहा था वही हमारे साथ हुआ, साइड की सारी गाड़ियाँ निकल गई, हम वहीं के वहीं हैं, गाड़ी हिली भी नहीं है 1% भी। सबसे आगे वाले के फास्टैग में भी दिक्कत है, जिसकी वजह से सब सबके सब खड़े हैं, ठीक है, पीछे भी नहीं कर सकते, पीछे एक ट्रक वाले भाई साहब खड़े हैं। चलो तो भाई यहाँ पे रुक गया, टाइम आया ये टाइम और ये टाइम का मैच है, हाँ शायद दोनों सेम है। आ गए हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे ना चार्जिंग स्टेशन भी है सामने, देख रहे हो, अच्छा है काफ़ी। अगर आप साउथ दिल्ली गर्ल या साउथ दिल्ली बॉय है तो आप यहाँ से खा सकते हैं, ये सर आप लोगों के लिए है, हम लोग तो यहाँ से चाय पी लेंगे। वैसे तो नहीं ये वाला वीडियोस में डालूंगा कि नहीं डालूंगा, मतलब कट बहुत सारे लगने वाले हैं इसके अंदर भी, पर अभी चलो ठीक है, सुबह सुबह का वक्त है, सबको वॉशरूम जाना था, वॉशरूम में फिर चाय वाय पियेंगे फिर कट लेंगे यहाँ से। मेन मोटो है पहाड़ों का। अगर आप देहरादून या हरिद्वार वाले हाईवे पर आते हो ना, तो ये जगह बड़ी परफेक्ट है रुकने के लिए फैमिली के लिए। इसके पीछे कैफ़े कॉफ़ी डे वगैरह भी है और KFC वगैरह भी है। ले ली बैठना पड़ेगा। ये तो बहुत ही है। और एक चीज़ याद आ गई मुझे, नासिर के साथ में यहाँ पे आया था इस जगह पे, तो ये हमें पड़ा था 125 किलोमीटर कुछ, ठीक है, तो ये लगा लो वन साइड का 125 किलोमीटर और दोनों साइड का 250 किलोमीटर, ठीक है। मेरा पेट्रोल था कितना का था ये देसी, और जब उस टाइम एल्ट्रोज एकदम न्यू थी उस टाइम मेरा लगा था 1200, आसिफ सही यार ना कमेंट करियो, 1200 रुपये का तेल लगा था खाली विदेशी एल्ट्रोज में स्टॉक। हम जो है इन लोगों की प्लेट चोरी करके ले जा रहे हैं, चाय लेके आ जानी थी, प्लेट ले गया पूरी, चाय अपनी आ गई, सारे लोग चाय पी रहे हैं अपनी, उन दोनों लड़कियों को नहीं पीनी, हम तीनों लड़कों को पीनी है, चाय पीएंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो भैया हम ऑलमोस्ट हम हरिद्वार में पहुंच चुके हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छा बना दिया हरिद्वार अब पहले से तो काफ़ी अच्छा खासा डेवलप कर दिया, बाकी तो यहाँ का वही जाने जो यहाँ रहते हैं, बाकी देखने में तो रोड वोड तो अच्छी बन गई है, बाकी देखो आगे जाके क्या होता है। अभी हमको कितना टाइम लगेगा मुन्नू पहुँचने में, पौने तीन घंटे अभी और लगने हैं पहुँचने में, लेकिन आगे मौसम अच्छा भी है, ऊपर से पहाड़ी रास्ता, तो ब्रेकफास्ट हम पहाड़ों पर ही करेंगे। चलो ये देखो वॉल्स पे सारे अच्छे अच्छे वो बना रखे हैं, बहुत बढ़िया से कस्टमाइज कर रखी है वॉल्स, और रात के टाइम आओगे ना अगर यहाँ से तो अच्छी खासी वो जलती है लाइट्स इन पे। ये देखो साधुओं की फोटो लगा। तो यहाँ हम फाइनली क्रॉस कर रहे हैं अब जो हरिद्वार का मेन वाला पुल है ना सामने, देख रहे हैं ये, यहाँ से शिव जी की मूर्ति दिखती है बड़ी सी, अभी दिखाते हैं आप लोगों को। वैसे तो देखी तो होगी यार, ऑब्वियस सी बात है आप में से कई लोगों ने। तो भाई यहाँ ना हम लोगों ने ना अब देहरादून की साइड आए थे वहाँ से कट मारा है, ठीक है, क्योंकि बीच में ना ट्रैफिक दिखा रहा था बहुत ज़्यादा अंधा, 20 मिनट का ट्रैफिक था एक जगह पे पूरा प्रॉपर, ठीक है, जो कि बढ़ ही रहा था 21-22-23 हुआ, तो हमने जो है देहरादून के अंदर से गाड़ी मोड़ ली
अब जो हम एयरपोर्ट वाले रास्ते से जो वापस हम ऋषिकेश की तरफ जा रहे हैं ताकि बीच का जो है ट्रैफिक से बच जाए। कम से कम हमने 25 मिनट का ट्रैफिक जो है स्किप किया है इस रास्ते से, और इस रास्ते में कहीं भी ट्रैफिक भी नहीं था और रोड भी बहुत अच्छा है। ठीक है चलो, रोड आपके सामने ही है, बढ़िया रोड बने हुए हैं। चलो वाह, बड़ी जबरदस्त जगह है यार। मम्मी ना मेरे में बीच में बोलती रहती है वीडियो बनाते हुए भी, बहुत अमेजिंग जगह है। और हम जंगलों के अंदर से जा रहे हैं, और हमने ऋषिकेश वाला रास्ता नहीं लिया जो कि हमारा बढ़िया डिसीजन था। हमें अंदर से आने के लिए मिल रहा है, जबरदस्त सीन है यहाँ पे। गाना बंद कर भाई उन्नू भाई, ऐसे कॉपीराइट के ना बरबरे कॉपीराइट आएंगे भाई हमारे वीडियो में। ये देख लो भाइयों क्या कड़ा मौसम हो रहा है, जबरदस्त मौसम और जबरदस्त पुल। आ जाओ भाई सेंटर वाले भैया आ जाओ, एक बार में एक गाड़ी जाती होगी ना पे। ये साइड में देखोगे तो मस्त है नीचे। मतलब इस ट्रिप में मजा आ रहा है। हम लास्ट टाइम ऋषिकेश से आए थे वो रास्ता भी ठीक था, बट ये तो अमेजिंग है। ये नेचर के बहुत पास है, यहाँ पे कोई ना कोई दुकान है ना कोई चीज़ है, बट हाँ जंगल है, प्रॉपर जंगल है ये। और पीछे गुड़िया बैठी उसको डर लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ना बहुत वो लैंडस्लाइड वगैरह दिख रही है ना, इसलिए। और उत्तराखंड में हाईलाइट है, पर अब मैं क्या समझाऊँ, हाईलाइट नहीं, नैनीताल की साइड है, टिहरी की साइड नहीं है, बट वही है इन लोगों के तो गंगाधर शक्तिमान था, वही चल रहा है अभी भाई। यहाँ दिखा रहा आगे दिखा रहा है, रोड दिखा